टुडे आई एम हेयर एट विक्टोरिया, विक्टोरिया में मतलब कोलकाता राइट बिहाइंड मी। और यहाँ पे अंदर आने के लिए आपको दो टिकट्स ले सकते हैं आप, एक तो 30 रुपीज़ का, एक 50 रुपीज़ का। जो 30 रुपीज़ का है वो सिर्फ गार्डन घूमने के लिए, गार्डन जैसे कि चारों ओर गार्डन्स है। और अगर आप म्यूज़ियम देखना चाहते हो तो वो टोटल आता है 50। तभी मैं रखने जा रहा हूँ बैग, क्योंकि बैग लेकर अंदर नहीं जा सकते हम लोग। बहुत ही क्राउड है, संडे है तो ज़्यादा क्राउड है। ये मेन गेट है, ये फ्रंट गेट है और एक बैक गेट में है। तो हम लोग यहाँ पे रखने जा रहे हैं बैग्स, क्योंकि बैग्स अंदर म्यूज़ियम में अलाउड नहीं है। और यहाँ पे कुछ अलाउड नहीं है, सिर्फ कैमरा बैग्स अलाउड है और कैमरा स्टैंड भी अलाउड नहीं है। मेरा गोप्रो का स्टैंड भी खोलना पड़ा। तो अभी हम लोग जाएंगे अंदर म्यूज़ियम में, म्यूज़ियम 10 बजे खुलेगा। और बैगेज वगैरह रखने के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेते हैं, 50 रुपीज़ के अंदर इंक्लूडेड है वो। ये एंट्री के लिए लाइन है, देखिए वो कितना लोग हैं। यू संडे था लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगा हम लोग एंट्री के लिए। और एंट्री के बाद यहाँ पर अंदर कुछ पेंटिंग्स वगैरह है और पुराना कुछ गन्स वगैरह है और जो क्लोज वगैरह ये भी था। और यहाँ का जो पेंटिंग्स है बहुत ही ब्यूटीफुल है और एकदम रियलिस्टिक जैसा लगता है, जितने भी पेंटिंग्स है बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर अंदर से एक स्टैचू ही है और उस साइड में फिर से कुछ जो पेंटिंग्स है अरविंद टैगोर का उनका है और कुछ आर्म्स वगैरह है। ये सेक्शन जो है वो पूरा रविंद्रनाथ टैगोर का पेंटिंग से भरा हुआ है, पेंटिंग और आर्ट्स जो है। वो एक बहुत फेमस आर्टिस्ट है इंडिया के। Thank you.
और यहाँ इस तरफ ऊपर भी कुछ चीज़ें हैं, तो वो अभी देखने जा रहे हैं हम लोग। तो अभी हम लोग थे विक्ट्री मेमोरियल का मेन गेट के सामने, और हम लोग जब एंट्री लिए थे वो था बैक गेट। अभी हम लोग हैं एक कैथेड्रल में, ये मैंने इसको मूवीज़ में देखा है लेकिन आज मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। और कैथेड्रल बस बाहर से ही दिखा सकता हूँ क्योंकि अंदर मोबाइल फ़ोन या कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, तो मुझे ऑफ करना पड़ेगा। और ये है कोलकाता का रोड्स। एक चीज़ कोलकाता का बहुत ही अच्छा है वो है ट्रैफिक, क्योंकि ट्रैफिक मैंने दूसरा सीरीज़ का भी देखा है लेकिन कोलकाता का मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ट्रैफिक बहुत सारी कार्स होता है लेकिन ट्रैफिक फ्लो में रहता है तो ज़्यादा लेट नहीं होता। विक्टोरिया मेमोरियल और कैथेड्रल घूमने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं रविंद्रनाथ जी का घर में। तो यहाँ पर भी कैमरा अलाउड नहीं था, तो मैंने बस दो ही वीडियो किया था, उसके बाद मुझे बोला कि कैमरा अलाउड नहीं, तो ये दो ही वीडियो हैं, अंदर कैमरा अलाउड नहीं था। और फिर हम लोग गए कॉफ़ी हाउस जो कि कोलकाता का बहुत ही फेमस है, और यहाँ पर हम लोगों ने शेयर करके मंगाया था फ्राइड राइस, कुबेरा जी कॉफ़ी और चाउ। फिर शाम को हम लोग गए बाबूघाट गंगा आरती देखने। ये रिसेंटली शुरू किया है कोलकाता ट्रैफिक पुलिस ने और बहुत अच्छे से होता है। जयकारा लगाएंगे, प्रेम से बोलिए गंगा माता की, काली माता की, बाबा भूतनाथ की, बाबा विश्वनाथ की, हमें पार्वती पते हर हर महादेव। देखिए हम लास्ट जयकारा लगाने बोलेंगे, जयकारा इतनी जोर से आनी चाहिए कि हमारा बीच पर खड़े आदमी को सुनाई दे। जोर से बोलिए गंगा और हम लोगों ने दिन की अंत आरती लेके क्या, अभी हम लोग होटल चले जाएंगे। Much later.
अभी बज रहे हैं रात के 10:40 अराउंड 10:40 और ये है कोलकाता का स्ट्रीट। ऐसा लग रहा है 7 बज रहे हैं। आप देखोगे हर दुकान खुला हुआ है, हर कुछ खुला हुआ है। मैं पिज़्ज़ा डिलीवरी लेने आया था, नीचे आके देख रहा हूँ पूरा एकदम ऐसा लग रहा है सिर्फ शाम हुआ है।